हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ उषा सैनी और आज मैं बनाऊंगी जलेबी। जलेबी बनाने के लिए हमें सामान चाहिए। एक बाउल मैंने चीनी लिया है, एक बाउल पानी लिया है और एक छोटा बाउल लिया है मैदा। ये 100 ग्राम मैदा है और एक इनो लिया है और ये फूड कलर है। और अब हम बनाएंगे जलेबी। और ये मैंने 250 ग्राम घी लिया है। और जलेबी बनाने के लिए हमें चौड़े तले वाला पैन चाहिए होता है या कढ़ाई, जो जिसमें भी आपको बनानी है। अब मैं बनाऊंगी पहले चाशनी। और चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस ऑन कर ली। ये मैंने एक बाउल पानी डाल दिया और एक बाउल चीनी डाल दी। और जब तक हमारी चाशनी बनेगी तब तक मैं जलेबी बनाने के लिए मैदा तैयार कर लेती हूँ। घोल मैदे से ये देखिए, ये मैंने 100 ग्राम मैदा लिया है। और इसमें मैंने 1 चम्मच दही डाली है। और इसमें मैं एक इनो का पैकेट डालूंगी। और ये मैं अच्छे से मिक्स करके और बीच बीच में मैं चाशनी भी चलाती रहूंगी। और ये हमें घोल तैयार करना है जैसे हम पूड़े बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे हम। और ये देखिए, ये हमें इस तरह का घोल तैयार करना है। ये देखिए, चाशनी हमारी हो गई है बनकर तैयार। और अब मैं दो तरह की जलेबी बनाऊंगी। एक मैं डालूंगी कलर और एक बनाऊंगी प्लेन वाली। अब मैं थोड़ी सी चाशनी इसमें निकाल लूंगी। ये देखिए, इसमें मैंने हल्का सा कलर मिला दिया। और अब मैं गैस बंद कर दूंगी और अब मैं ऑन करूंगी घी वाली गैस। और ये हमारा बैटर तैयार है बिल्कुल जलेबी का। और ये देखिए, इनो डालने के बाद हम साथ साथ भी बना सकते हैं 5-10 मिनट के अंदर अंदर। ये देखिए, आधे घंटे तक भी आराम से हम इसको रख के बना सकते हैं। और अब मैं बनाऊंगी जलेबी। और उसके लिए मैंने लिया है जलेबी बनाने के लिए, ये देखिए, ये दूध की थैली है। आप
किसी भी तरह की कोई पन्नी ले सकते हैं और उसमें आप बनाएंगे। ये मैं गिलास में लगा लूंगी। ये देखिए, ये मैंने गिलास के ऊपर लगा ली इसको। और अब मैं ये इसमें डाल लूंगी। और ये देखिए, ये मैं इसमें थोड़ा सा कैंची से काट लूंगी। और अभी हमारा घी हो जाएगा तैयार। ये चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए, घी हमारा गर्म हो गया। अब मैं बनाऊंगी जलेबी। ये देखिए, अब मैं डालूंगी प्लेन बिना कलर वाली चाशनी। ये देखिए, आइए, गर्मा गर्म जलेबी तैयार है।